इंडिया फाइनली जीत गया वर्ल्ड कप। गाइस इसमें कोई डाउट था किसी को? मतलब तो यार इंडिया नहीं तो और कौन। मैं तो जिस दिन न्यूयॉर्क गया था ना इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए, उसी दिन जब मैं ट्रॉफी के पास गया चल के, तो मेरा मन तो किया तुरंत वहीं से उठा के दे दूं सीधा रोहित भाई को, बट लगा कि चलो यार फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ेंगी ना, मतलब सारे मैचेस वगैरह खेलने पड़ेंगे, फाइनल खेलना पड़ेगा। बट एट द एंड ऑफ कोर्स वी आर द विनर्स, वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस। ट्रॉफी इंडिया नहीं आएगी तो और कहां आएगी यार, मतलब इसमें कोई डाउट है? बट अभी के लिए आपके उनमें बहुत सारे डाउट्स होंगे, इसलिए आपने हैशटैग बोलो गुरुजी यूज किया है टू आस्क ऑल योर क्वेश्चंस, और मैं आपके उन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूं जो भी आपने पूछे हैं। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में जहां पे टेक के सवाल जवाब करने वाले हैं हर वीक की तरह इस संडे के मसाला एपिसोड में। तो गाइस जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। रवि की तरफ से वो कह रहे हैं MacBook Air M2 लेना चाहिए क्या Android फोन के साथ? कोई पंगा नहीं है Android फोन के साथ में यार, आप एक Mac आराम से यूज कर सकते हो। आपको एक Android फाइल ट्रांसफर जो है वो ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अगर आपको कुछ हैवी डेटा ट्रांसफर करना है अपने फोन से केबल लगा के। अदरवाइज एज वेल आप जो है वो बहुत सारे एप्स होती हैं डेटा वेटा मूव करने के लिए और कोई दिक्कत नहीं आएगी। इजिली यू कैन यूज अ MacBook और Air M2 इज अ वेरी गुड ऑप्शन, मजा आएगा आपको। मयूर पूछ रहे हैं Apple Watch 9 worth to buy now or wait for new model? यार देखो सीरीज 10 के लीक्स तो आए हैं बट काफी सिमिलर लग रही है सीरीज 9 जैसी ही, लेकिन अभी यार क्योंकि ऑलरेडी जुलाई के महीने में बैठे हैं और एक महीने छोड़ के सितंबर में Apple का इवेंट होगा जहां पे Apple अपनी नई वॉच को लॉन्च करेगा ही, तो अगर आपको लगता है कि आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो जस्ट टू सी कि क्या नया आ रहा है, और उस टाइम पर डिसाइड कर लेना या तो सीरीज 9 लेना सस्ते में पैसे बचा के, या फिर आपको लग रहा है कि यार 10 वाली बेटर आ गई है तो वो ले लेना, मतलब डिपेंडिंग ऑन यू। अगर आपको लेकिन तुरंत वॉच लेनी ही है तो सीरीज 9 में कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ वेरी गुड वॉच। सुभाष चंद्र चाहते हैं Vivo X100 Ultra इंडिया में कब आएगा? आई डोंट थिंक सो आएगा सुभाष, बिकॉज ये चाइना ओनली लॉन्च था और अगर आना होता तो अब तक Vivo प्लानिंग कर चुका होता, बट आई डोंट थिंक सो जो अल्ट्रा सीरीज है वो इंडिया में आएगी अभी। विनोद कह रहे हैं गौरव भाई सिम वाली कंपनियों ने तो रिचार्ज तो बढ़ा दिया लेकिन 28 दिन की जगह 30 दिन वैलिडिटी क्यों नहीं बढ़ाते, इस पर आपका क्या कहना है? भाई अगर बढ़ाएंगे तो उनका लॉस हो जाएगा ना, ये तो सिंपल गणित है। देखो 28 डेज सुनने में क्या लगता है, सुनने में लगता है कि एक महीने की बात कर रहे हैं, बट गाइस ये एक महीना नहीं है, ये चार हफ्ते हैं और साल में कितने हफ्ते होते हैं 52, यानी कि टोटल आप साल में कितनी बार रिचार्ज करोगे 13 बार। अगर ये 30 दिन का कर दें मतलब पूरे महीने का अगर कर दें तो आप कितनी बार रिचार्ज करोगे, आप रिचार्ज करोगे खाली 12 बार, और यही वो टेक्निक है जिससे जितने भी प्रीपेड यूजर्स होते हैं ना, पोस्टपेड के अंदर बिल आता है महीने से महीने, तो महीने मतलब के हिसाब से साल में 12 बार ही बिल आएगा, लेकिन अगर आप 28 दिन रिचार्ज कराते हो तो आप साल में रिचार्ज कराओगे 13 बार, तो कंपनी ऐसा क्यों करेंगी भाई, वरना उनका लॉस हो जाएगा ना, आप एक रिचार्ज कम कराओगे साल में। अविनाश के तीन सवाल हैं, पहला नथिंग फोन 3 लॉन्च कब होगा? अगले साल। दूसरा क्या आपको लगता है कि जियो एंड एयरटेल प्राइस इंक्रीज इज अ गुड डिसीजन? थर्ड एनी गिव अवे कमिंग? गिव अवे CMF का चल रहा है अभी, CMF फोन 1 वाला, तो उसमें पार्टिसिपेट आप कर सकते हो अगर किसी तरीके से आप मैनेज कर लेते हो, अगर कमेंट पे 0 लाइक आए तो यू कुड बी द लकी वन। जहाँ तक बात है प्राइस हाइक कैसी है, तो यार देखो होनी ही है, मतलब जैसे महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो यार देखो होना ही है। अब हमको पता है कि दुखता है दिल ना कि मतलब रिचार्ज जो आज तक हो रहा था मान लो 250 का, वो अब हो जाएगा 300 का या व्हाटएवर, बट रियलिटी यही है गाइज कि सब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं बिकॉज दैट्स हाउ दिस वर्ल्ड फंक्शंस। तो चाहे वो आलू हो या चाहे वो कोई और चीज़ हो, नो प्राइसेज आर गोइंग अप, तो यही है। और इंडिया में लेकिन स्टिल कंपेरेटिवली वी आर वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्लेसेज इन द वर्ल्ड जहाँ पे हमको इतना डेटा मिल जाता है 4G हो या 5G हो या जैसा भी हो, बट येस प्राइस बढ़ी है बिकॉज खर्चे बढ़े होंगे कंपनीज के और उनको भी तो अपने इन्वेस्टमेंट्स पूरे करने हैं, तो ये तो हार्श रियलिटी है बिजनेस की। क्या मज़ा आ रहा है सुन के? ऑफकोर्स नहीं आ रहा है, हम तो चाहेंगे कि भैया धंधनाधन ऑफर आ जाए और फ्री में मिल जाए सब कुछ, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, आप समझ के देखो। विकी पूछ रहे हैं शुड आई बाय नथिंग फोन 2A और वेट फॉर CMF फोन 1? नथिंग फोन 2A जो है वो देखो CMF फोन 1 से सुपीरियर डिवाइस है, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, और इसीलिए प्राइस भी ज्यादा होगी। CMF जो है वो 120,000 आएगा और नथिंग फोन 2A आपको बताया थोड़ा सा 22-23 की रेंज में जाता है, तो अगर आपका बजट उतना है तो 2A लो, आपका बजट अगर थोड़ा कम है 17-18-15 इस रेंज में अगर है तो CMF फोन 1 का वेट करो, कल तो आ ही रहे 8 तारीख को।
सक्षम कह रहे हैं एक नॉर्मल यूजर के लिए बैटरी साइकिल क्या होना चाहिए मोबाइल के लिए, मींस कितने परसेंट पर चार्जिंग लगानी और उतारनी चाहिए, एंड इंडिया में स्टेबल 5G कब तक आएगा। यार 5G काफी तेजी से बढ़ रहा है सक्षम, मतलब मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, मेरे को अपने फोन में अराउंड 70-80% के आसपास 5G मिल जाता है। मतलब जहां भी निकलते हैं अक्सर आप देखोगे तो फोन में 5G चल रहा होगा, और ऐसी जगहों पर आपको 5G मिलेगा जहां पर शायद आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो 5G बहुत तेजी से बढ़ रहा है अक्रॉस ब्रांड्स, और मैं खासकर से एयरटेल की बात कर रहा हूँ बिकॉज मैं एयरटेल यूज़ करता हूँ, तो जब भी दिखता हूँ आसपास तो 5G मिल जाता है। आपका जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग बैटरी साइकिल, तो एज अ नॉर्मल यूज़र अगर आप दिमाग में रखते भी उस बात को, तो ट्राई टू कीप योर बैटरी बिटवीन 20-80%। 20% से नीचे मत जाने दो, 80 के ऊपर चार्ज मत करो। अगर आप इस रेंज में रखोगे तो वो बेस्ट है आपकी बैटरी के लिए। ऋषिकेश पूछ रहे हैं, आर ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइसेस एंड स्मार्ट वॉचेस सेफ? सम न्यू एज रिसर्च शोज दैट EMF मे लिंक टू कैंसर एंड अदर हेल्थ इश्यूज, आर दे बून और बेन फॉर आवर लाइफस्टाइल? यार इनकंक्लूसिव है ये सब चीजें, मतलब ऐसी कोई रिसर्च ने प्रूव नहीं किया है। अगर प्रूव किया है तो आप दिखा दो मेरे सामने, ऐसा कोई रिसर्च नहीं जिसने प्रूव कर दिया और बता दिया हो कि मोबाइल डिवाइसेस से, स्मार्ट वॉच से, ब्लूटूथ से ये सब होता है। बिकॉज जो आप EMF की बात कर रहे हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज की जो आप बात कर रहे हो, बेसिकली जो भी आपका ये स्पेक्ट्रम होता है इसमें आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग दो टाइप की रेडिएशंस होती हैं। तो जो हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ में 2.4 GHz या वाईफाई के अंदर भी हम यही रेंज में यूज़ करते हैं, तो ये सब जो चीज़ें ऑपरेट होती है ना, दीज आर नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल जो आप जानते हो भैया एक्सरे और गामा रे और वो सब, तो दीज आर डेंजरस ऑफ कोर्स, बट सिंपल अभी के लिए कोई ऐसी रिसर्च ने प्रूव नहीं किया, इट्स इनकंक्लूसिव, रियलिटी यही है। अभिरूप कह रहे हैं सैमसंग M35 कब आएगा? बहुत जल्दी आएगा, इसी महीने में आएगा। मासुकुद्दीन कह रहे हैं, सर आपका वीडियो 4-5 साल से देख रहा हूँ, अभी के लिए S24 5G लेना सही रहेगा या नहीं, प्लीज बताइए। यार ले सकते हो कि अगर आपको एक छोटा कॉम्पैक्ट फोन चाहिए ना, मतलब आपको अगर जैसे बड़ा अल्ट्रा हो गया या S24 Plus वगैरह हो गया, आपको बड़े फोन में, अगर आपको छोटा फोन चाहिए तो उसके लिए S24 इज रियली एन अमेजिंग फोन। काफी कॉम्पैक्ट है, छोटा सा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कैमराज वगैरह, स्क्रीन वगैरह सब कुछ मतलब बहुत अच्छा है, तो मजा आएगा स्पेशली अगर आपको एक छोटा फोन पसंद है तो। विलन 142 जानना चाहते हैं, OnePlus Nord 3 ले लूं या Nord 4 के लिए वेट करूं फॉर गेमिंग पर्पस? भाई वेट कर ही लो, बिकॉज इसी महीने अभी Nord भी आ ही जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि क्या डिफरेंस है Nord 3 में, Nord 4 में, और उस तब अब फैसला लोगे। मतलब मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर कोई नई चीज़ आने वाली हो ना जो ज़्यादा लेट भी ना हो, तो उसका वेट ही करना सही बनता है। या तो आप नया वाला परचेज कर लोगे, आपको क्या पता बेटर वो डिवाइस मिल जाएगा, और या फिर अगर पुराना खरीदना होगा तो तब खरीदना जब नया वाला आ जाए, ताकि आपको डील अच्छी मिल जाएगी, तो मतलब ये बेटर है। RS फुटबॉल के दो सवाल है, पहला व्हाट इज द बेस्ट कैमरा बॉडी अंडर 1.5 लाख, एंड देन व्हाट वुड बी गुड फॉर सिनेमैटिक वीडियोग्राफी, द कैमरा अंडर 1.5 लाख और S24 Ultra और 15 Pro Max? सेकंड व्हाट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, लेंस और कैमरा? यार देखो 1.5 लाख के अंदर अगर आपको चाहिए ना, तो मैं बोलूंगा अगर आप वीडियोज की बात कर रहे हो, मैं क्योंकि आपने जैसे सवाल पूछा सिनेमैटिक वीडियोज के लिए, तो आपको आई थिंक FX30 आ जाना चाहिए 1.5 लाख की रेंज में, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इन्वेस्टमेंट वीडियोस के लिए, और क्वालिटी डेफिनेटली उसकी बेटर होगी कंपेयर टू एक फ़ोन। अब जब आप बात करोगे क्या बेटर होता है कैमरा के लेंस, तो मैं बोलूँगा दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अगर आपको कोई एक पिक करना हो तो मैं लेंस की तरफ जाऊंगा, बिकॉज लेंस से आप बहुत कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो केवल लेंस बदल के। बट एट द सेम टाइम बॉडी की भी इंपॉर्टेंस होती है यार, बिकॉज लो लाइट सेंसिटिविटी कैसी है, वो क्या आपको जो है वो आउटपुट दे रही है, किस बिटरेट पर रिकॉर्ड कर पा रही है, 4K 60 FPS है, 4K 120 FPS हो गया है, क्या ISO लेवल पे आपको नॉइस मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता है, मतलब ये सब चीज़ों के लिए बॉडी भी इंपॉर्टेंट है। बट कई बार क्या होता है ना कि अगर कैमरा थोड़ा पुराना भी है, बॉडी थोड़ी पुरानी भी है, बट अगर आपने लाइटिंग अच्छी करी है, आपने अगर लेंस ढंग का यूज़ किया है, तो आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिल जाता है। तो दोनों की ही अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और 1.5 लाख के बजट में लेकिन आप केवल कैमरा बॉडी की बात कर रहे हो, तो आपको केवल बॉडी मिलेगी, लेंसेज फिर अलग से खर्चा होगा डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से लेंस चूज करते हो। लेंस भैया 4-4 लाख 5-5 लाख के भी आते हैं, और ऑन एवरेज अगर आप ढंग के सोनी के फॉर एग्जाम्पल जी मास्टर लेंसेज लोगे तो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के तो आपको लेंसेज मिलेंगे मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा वो है
यू हैव टू मिक्स एंड मैच. आपका पर्पज़ क्या है आप वो बताओगे तो बेटर रहेगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलोगे कि मैं ऐसे बैठ के जैसे मैं बना रहा हूँ वीडियो, आपको ऐसी वीडियो बनानी है, तो उसके लिए एक 50mm लेंस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. फॉर दैट मैटर 24-70 जो लेंस है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा. बट अगर आप बोलोगे कि मेरे को व्लॉगिंग करनी है तो उसके लिए आपको अल्ट्रा वाइड लेंस चाहिए होगा. आप बोलोगे कि मेरे को थोड़ा सा यू नो अलग टाइप के शॉट्स चाहिए, थोड़े जूम्ड इन चाहिए, तो एक 70-200 लेंस लगाना पड़ेगा. तो वो सब चीज़ों का वेरिएशन है. आईफोन या सैमसंग में क्या है ना, सब कुछ इनबिल्ट है. तो या त्रिवेंद्र पूछ रहे हैं, आई वॉन्ट टू बाय अ टैबलेट फॉर नोट मेकिंग बट आई एम कन्फ्यूज बिटवीन सैमसंग S9 प्लस एंड iPad. वॉट वुड यू प्रेफर इफ iPad देन विच वन अंडर 85,000? यार 85,000 का आपका बहुत अच्छा खासा बजट है और सैमसंग क्योंकि थोड़ा सा पुराना हो गया है और iPad जस्ट अभी नए नए लॉन्च हुए हैं, तो मैं आपको बोलूँगा आप iPad ले सकते हो. iPad में अगर आप लोगे केवल आपका काम नोट्स का ही है ऑफकोर्स, और अगेन नोट्स के अलावा भी कुछ करोगे तो भी M2 चिप बहुत तगड़ी है, तो iPad Air ले सकते हो M2 चिप वाला जो नया वाला आया है. स्टूडेंट डिस्काउंट लगाओगे आपको और सस्ता मिल जाएगा, करीब 55,000 में आपको Apple Pencil भी मिल जाएगी, Pencil Pro साथ में, और आपका बजट तो 85 का है. तो आपका मन करे तो आप स्क्रीन साइज 13 इंच वाला चूज़ कर सकते हो. आपको लगता है 11 इंच पे काम चल जाएगा तो वो लो 55 का, साथ में एक अपना कीबोर्ड वगैरह खरीद लो अलग से. तो आपका विद इन 85 बढ़िया काम बन जाएगा, पेंसिल कीबोर्ड iPad सब कुछ जोड़ के, और नोट्स के अंदर बहुत मज़ा आएगा. अर्णव जानना चाहते हैं, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी अ फोन अंडर 20K मेनली फॉर कैमरा, कैन एक्सटेंड अप टू 30K, एंड व्हाट इज योर बर्थ प्लेस, इज इट इन राजस्थान और दुबई? भाई बर्थ प्लेस इज अजमेर इन राजस्थान इन 1991 7th ऑफ मई. जहाँ तक बात है आपके लिए एक कैमरा की अंडर 30,000, तो मैं बोलूँगा थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो. अभी 2-3 मॉडल तगड़े तगड़े लॉन्च होने वाले हैं इसी महीने में, तो आपको तब जवाब मिल जाएगा. लास्ट क्वेश्चन है वैभव की तरफ से, वो पूछ रहे हैं आईफोन 16 सीरीज कब आएगा? आईफोन 16 सीरीज सबको पता है कब आएगा, हर साल एप्पल एक ही टाइम पे आता है भाई. तो मतलब सितंबर का महीना है वो जब एप्पल अपने फोन्स को लॉन्च करता है, और मार्केट में आते आते सितंबर का लास्ट वीक हो जाता है. कभी कभार बीच में अक्टूबर भी हो गया है, बट चिंता मत करो, सितंबर के अंदर ही आपको आईफोन इंडिया में मार्केट में मिल जाएगा. सितंबर में एप्पल उनको लॉन्च करता है, और मुझे मजा तब आता है इन सवालों का जवाब देते हुए जब मैं कभी भी किसी से मिलता हूँ ना, इन जनरल कोई फ्रेंड हो गया, कोई अलग बंदा हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब रैंडम आज मैं किसी ऑफिस में गया, मान लो मेरे को सामने दो लोग मिल गए, तो उसमें से एक तो पक्का पूछता ही है नया वाला आईफोन कब आ रहा है. सबको पता है कब आ रहा है, या नहीं भी पता कई बार हो सकता है लोगों को, बट रियलिटी इज़ कि आईफोन राइट, अभी आप पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड देख लो, सेप्टेम्बर में अपना एप्पल इवेंट करता है और नए वाले आईफोन को लॉन्च करता है. That's it. तो गाइज यही थे सवालों के जवाब. आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो समझ में आ गई होंगी. अगर आपका कोई और सवाल है तो यू नो द ड्रिल, इट्स प्रीटी इजी, #बोलोगुरुजी बोलो गुरु जी आप यूज़ कर सकते हो, ट्विटर पर जाकर ट्वीट कर सकते हो, या फिर नीचे कमेंट कर सकते हो. और फिलहाल के लिए लाइक करो वीडियो को, शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो, और मज़े उड़ा दो बिकॉज इंडिया जीती गया वर्ल्ड कप, और हाईलाइट्स देख लो दोबारा से, थोड़ा सा और दिल खुश रहेगा. और खुशी बनानी है अगर तो इंडिया वर्सेज पाकिस्तान की भी देख लो, और खुशी चाहिए तो इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, और बाद में इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की भी देख लो. यस, और क्या चाहिए लाइफ में यार, यही है, फन करो, मजे करो. मैं आप सुनता हूं अगली वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.